नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। दुखद खबर, अरुण जेटली का आज निधन हो गया है और 12:07 पर निधन की खबर बताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से एम्स में भर्ती थे और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी और उनको आपको बता दें कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है उस पर रखा गया था, लेकिन खबर ये आ रही है कि एम्स में उनका 12:07 पर निधन हो गया है। आपको सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी निर्भय जुड़े हुए हैं। निर्भय, क्या कुछ बताया जा रहा है? बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से बात करें तो अरुण जेटली जो कि इससे पहले यानी कि मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर भी जाने गए और इससे पहले भी उनका जिस तरीके का कार्यकाल था काफी बेहतर रहा, लेकिन जो 2019 के लोकसभा का चुनाव था उस वक्त इनकी हालत जिस तरीके से बात करें तो काफी खराब रही, क्योंकि इसी साल मई महीने में इनके गुर्दे का जो है वो प्रत्यारोपण किया गया था, वो भी एम्स अस्पताल में किया गया था। हालांकि उसके बाद वो बाहर भी इलाज के लिए गए थे, लेकिन 9 अगस्त को इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद इन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद से इनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। और इसको लेकर के अगर आपको बता दूं तो बीजेपी के साथ साथ कई विपक्ष दल के नेता भी इनसे मिलने गए थे और जब से ये 9 अगस्त से जब एम्स में भर्ती हुए थे उसके बाद इनकी स्थिति की बात करें तो वो सुधर नहीं पा रही थी। इन्हें डायलिसिस भी किया गया था, बता दूं कि आपको गुरुवार को यानी कि पिछले 3 दिन पहले इनका डायलिसिस भी किया गया था, इसके बाद भी इनकी स्थिति सुधर नहीं रही थी और आज 12:00 इनका निधन हो गया। बिल्कुल निर्भय, जिस तरीके से ECMO सिस्टम पे रखा गया था और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि दिन प्रतिदिन इनकी तबीयत खराब होती जा रही थी, लेकिन अगर अब बात करें तो इनके निधन के बाद जिस तरीके से फिलहाल क्या ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, क्या कुछ आगे किया जाएगा, किस तरीके से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे दर्शन करने उनके अंतिम संस्कार में, या फिर इस तरीके से कुछ खबरें निकल कर आ रही है? बिल्कुल अविनाश, अगर मैं बात करूं मिलने की तो अभी तो इनसे इससे पहले जिस तरीके से इनकी तबीयत खराब थी उनके बाद से यहाँ पे उमा भारती भी मिल चुकी है, इसके अलावा कई बड़े नेताओं ने भी इनसे मुलाकात की थी जब ये एम्स में भर्ती थे। इससे पहले PM नरेंद्र मोदी भी इनसे मिल चुके हैं, राष्ट्रपति कोविंद भी इनसे मिलने गए थे, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसकी बात करें तो यहाँ से इनको अभी कुछ इस तरीके का प्लान अभी सामने नहीं आ पाया कि क्या कुछ, क्योंकि इनका जो निधन हुआ है वो कुछ देर पहले हुआ है तो अभी पूरी प्रक्रिया तय नहीं हो पाई है कि क्या कुछ इनके मतलब उनका होगा। हालांकि अगर बात बाकी लोगों की करी या जिस तरीके से इसी महीने में एक और बीजेपी के बड़े चेहरे का निधन हुआ था, उनके पक्ष भी उनको बीजेपी कार्यालय में भी रखा गया था, तो उनके जो समर्थक हैं उन लोगों में भी इस तरीके का एक बात करूं तो निधन के बाद शोक की लहर है, तो इस तरीके से उनके आखिरी दर्शन के लिए भी या फिर आखिरी जो विदाई यात्रा होगी इस तरीके से भी पूरा प्लान बीजेपी के लिए एक बड़ा यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि दो दो बड़े नेताओं का निधन हो गया अभी पिछले ही दिनों, जैसा कि आपको बताया था हम लोग, या फिर जिस तरीके से एक कद्दावर नेत्री सुषमा स्वराज जी का निधन हुआ था और उसके ठीक कुछ दिन के बाद आज की अगर बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जो कि इससे पहले वित्त मंत्री रहे पहले मोदी सरकार में और उनका निधन हुआ है, तो एक बड़ी क्षति के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। निर्भय, बिल्कुल क्षति की बात है तो ये बहुत बड़ी क्षति है और पिछले दिनों से जिस तरीके से देखे तो ये बीजेपी को ये दूसरी क्षति जो है वो काफी बड़े तौर पर दिख रहा है। अगर जेटली को लेकर के बात करें तो अविनाश जेटली जो है वो 1991 में बीजेपी में शामिल हुए और अटल जी के साथ भी ये काफी मतलब सहभागिता के साथ आगे बढ़े और इनका जो साथ था वो अटल जी के साथ साथ मोदी की भी बात करें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके कार्यकाल में भी इनका काफी बेहतर एक कार्यकाल रहा। अगर नेता विपक्ष की बात करें तो उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष का भी पद संभाला है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय को भी इन्होंने संभाला है, रक्षा मंत्रालय को भी संभाला इन्होंने और वित्त मंत्रालय को संभाला है, तो काफी अच्छे नेता के साथ साथ जिस तरीके से बात करें तो इन्होंने केंद्रीय मंत्रालय में भी काफी बेहतर काम के लिए भी इनको जाना जाता है और जिस तरीके से इनकी एक मतलब की राजनीतिक कैरियर की बात करें वो काफी बेहतर रहा है, पार्टी के साथ साथ पार्टी के हर एक योगदान में इन्होंने पूर्ण रूप से अपना जिस तरीके से सहयोग का भूमिका निभाई है, किया हुआ है तमाम धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि
अरुण जेटली जो भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर और वरिष्ठ नेता के तौर के अलावा भी एक अधिवक्ता थे। और आपको बता दें कि आज सुबह की अगर बात करें, दोपहर की बात बताई जा रही है, 12:07 पर उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले जब उनकी तबीयत खराब थी तो कई बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, इसमें अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा कई विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचे थे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन दुखद खबर आज आ रही है जहां अरुण जेटली 12:07 पर उन्होंने अंतिम सांसें एम्स में ली हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। अरुण जेटली को एक भावभीनी श्रद्धांजलि न्यूज़ 11 की पूरी टीम की तरफ से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।